गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट कंप्यूटर हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। कंप्यूटर हिस्ट्री से क्या समझते हैं हम लोग? कंप्यूटर हिस्ट्री से मतलब होता है कंप्यूटर का इतिहास। एंड डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। पहले हम लोग आते हैं इसके हिस्ट्री पे। कंप्यूटर का हिस्ट्री कब हुआ, स्टार्ट हुआ था? द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट्स विद द बर्थ ऑफ एबेकस। ये कंप्यूटर का जन्म हुआ था एबेकस नामक वुडन रैक से। इट वाज ए वुडन रैक होल्डिंग हॉरिजॉन्टल वायर्स विद बीड्स स्ट्रंग ऑन देम। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये वुडन रैक है, लकड़ी का रैक बना हुआ है जो कि पकड़ के रखे हुआ है। हॉरिजॉन्टल वायर्स है, इसमें तार लगी हुई है, उसमें गोला गोला ये देख रहे हैं जो आप लोग, ये बीट्स है, मोतियों की माला। जब ये मोतियों की माला आपस में मूव करती हैं चारों ओर, तो वेरियस बहुत तरह के गणित के प्रॉब्लम का सॉल्व कर लिया जा सकता है। तो ये पहला इन्वेंशन था एबेकस नामक, जो एक वुडन फ्रेम का रैक बना हुआ है जो हॉरिजॉन्टल वायर्स है जिसमें, और बीट्स भी हैं। नाउ द सेकेंड इन्वेंशन स्टार्ट्स विद द बर्थ ऑफ एस्ट्रोलॉग। पहला इन्वेंशन तो हम लोग देख लिए, एबेकस था। दूसरा इन्वेंशन हुआ एस्ट्रोलॉग। इट वॉज ए डिवाइस यूज फॉर नेविगेशन। इसका आविष्कार किया गया था नेविगेशन के लिए। यूज टू फाइंड हाइट डिस्टेंस स्पीड ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज। इसका मतलब हुआ, जैसे कि देख रहे हैं, इट वॉज ए डिवाइस, ये एक तरह का यंत्र बनाया गया था नेविगेशन के लिए। इसका मतलब होता है जैसे कि तो हाइट ऊंचाई नापने के लिए और दूरी स्पीड उसकी गति को नापने के लिए, किसका? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड जो हम लोग के अंतरिक्ष में है, जैसे कि मून है, सन है, और भी अदर प्लैनेट्स ग्रह हैं हम लोग के सौर मंडल के। कंप्यूटर इज एन अमेजिंग मशीन। हम लोग आते हैं कंप्यूटर को अद्भुत यंत्र क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम लोग का डेली का वर्क हम कंप्यूटर के द्वारा सॉल्व किया जाता है। जैसे कि लेटर लिखते हैं हम लोग, एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं, गेम खेलते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, पिक्चर ड्रॉ करते हैं, वेदर के बारे में मौसम की जानकारी, गर्म है या ठंडा रहेगा या बारिश होगी, ये सब पता चल जाता है। या सर्च, वी कैन सर्च एनीथिंग ऑन गूगल। कुछ किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हम लोग को गूगल में सर्च करने पे मिल जाता है। जैसे कि किसी का